अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मम्मी आ रही है मेरी रिक्वेस्ट पे पनीर का पराठा बनाने। ठीक है, तो इसकी रेसिपी मम्मी आपको बताने वाली है फुल कि कैसे बनेगा। तो मम्मी देखिएगा पूरा और कैसे बनता है मम्मी पूरा बता देंगे आपको, फिर आप इसको आप इंजॉय करिए बना के फिर। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बाय बाय। हैं हम पराठा पनीर का, तो हम लिए हैं 1 कप भर के पनीर। इसको हम घिस ली हूँ यानी कद्दूकस कर ली हूँ। इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम गैस पर रख दे रहे हैं कढ़ाई, और गैस जला दे रहे हैं। और जब हमारी गैस थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो गई, तो उसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। वो देखो थोड़ा सा उसमें घी था और थोड़ा ही डाली हूँ, यानी 1 चम्मच घी डालना, ज़्यादा नहीं डालना है। जब ये घी हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा हल्का जब चटक जाएगा तो उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, 1 पिंच हींग डाली हूँ यानी 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं डाली। और उसके बाद 2-3 हम प्याज काट के रखी थी मीडियम साइज़ की, उसको डाल दे रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट के रखी हूँ, इसको डाल दे रहे हैं। अब इसको भी इसे हम चला देंगे 2 मिनट, ज़्यादा नहीं इसको भूनेंगे। उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्ची, 2-3 हरी मिर्ची काट के रखी, इसको डाल दे रहे हैं। अगर आप जितना तीखा पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। अब इसको भून लेंगे थोड़ा 2 मिनट। उसके बाद उसमें डाल देंगे हम अदरक घिसी हुई, इसको भी चलाएंगे 2 मिनट। ये डाल दिए लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच डाल दिए हल्दी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डाल देंगे गरम मसाला। अगर आपको पसंद हो तो आप डालना, और ना स्किप कर सकते हैं। तो देखो ऐसे हम इसको अब चलाते रहेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा इसको हम। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर जो घिस के रखी हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं यार, अब पराठे बना बना खाओ मज़े ले लेके पनीर के, कभी गोभी के, कभी आलू के, कभी पत्ता गोभी के, कभी किसके। देखो डाल देंगे खूब सारा धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता भी कंजूसी मत करना, अभी तो धनिया के पत्ते को उबार है, खूब भर भर के डालना। ये डाल दिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर 1 चम्मच। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। और इसमें डाल दिए स्वाद के अनुसार नमक 1 चम्मच, और डाल दिए ये अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके, यानी हाथ में थोड़ा मसल कर डाल देंगे ताकि इसके फ्लेवर अच्छा आए। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी में नहीं रहना चाहिए, यानी थोड़ा सा जब डालोगे ना थोड़ा सा हल्का सा गीला गिलास हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा सुखा लेना है। इसको सीधे भून ले रही हूँ, अब उसमें पानी सारा जल गया। अब हम गैस को करते हैं बंद, इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। प्लेट में निकाल लेंगे जब ये ठंडा हो, ठंडा करने के लिए रखेंगे उसको। अब हम तो उसको हम इसे प्लेट में निकाल ले रहे हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, इसलिए उसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। देखो निकाल लेना सारा प्लेट में। अब इसको ऐसे हम थोड़ा से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उधर हम आटे को तैयार करके रख लें हूँ। आटा पहले से ही गूंद ली थी, जब तक ये ठंडा हो जा रहा है 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा ठंडी तो आई है, बहुत ठंडा होता है। देखो आटा हमारा तैयार है, इसमें थोड़ा सा हम तेल 2 चम्मच और थोड़ा सा नमक डाल के गूंद दी थी इसको, हमने गूंद के पहले से रख दी थी। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए यार हम पहले से गूंद के रख दें उसको आप लोग को दिखाने पर। बता दे रहे हैं आटा तो सभी को गूंदना आता है, और थोड़ा नरम आटा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। देखो इतने बड़े बड़े पेड़े हम बनाओगे, देखो 2 पेड़े बना ली हूँ, अभी और हम बना लेंगे बाद में। और पराठे तो धीमी आँच में सेके ही जाते हैं, तो आराम से बेल सकते हो। तो क्या कहते हैं, अब तो स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब ये ली हूँ गए, क्या कहते हैं, थोड़ा सा घी ली हूँ। आप चाहें तो तेल में ही बना सकते हैं, रिफाइंड तेल हो या सरसों का तेल हो, लेकिन घी में ज़्यादा बच्छलता है पराठा बनाओगे तो। अब हम गैस जला के गैस पर देंगे तावा, तो गैस जला दे रहे हैं और गैस को मीडियम करके छोड़ देंगे। जब तक हम बेलेंगे तब तक तावा हमारा गर्म हो जाएगा। ये फिर स्टफिंग जो बना कर रखी तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। ठंडी में तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है सामान, कोई परेशानी नहीं होती ठंडा करने में। ऐसे थोड़े से चंगेली बना लेंगे, यानी चकली थोड़ी छोटी सी बना लेंगे रोटी से हाथ से। उसके बाद उसको बेलेंगे बेलन से, तो थोड़ा बड़ी रोटी बेलेंगे, छोटी नहीं बेलेंगे, थोड़ा बड़ी बेलेंगे। देखो रोटी हम इसे बेल ले रहे हैं, रोटी हमारी बेल गई। इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे हल्का से, अगर आप जरूरत समझ लगा दें, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। बस थोड़ा सा लगा दी हूँ अंदर, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब इसमें हम रखेंगे स्टफिंग,
इसमें हम 3-4 चम्मच रख दे रहे हैं। बच्चे भर भर के नहीं भर के बनाएंगे तो ज़्यादा तो अच्छा लगेगा, इधर थोड़ा ज़्यादा ही भर दे रहे हैं। देखो कुछ ऐसे मोड़ना है, एक इधर से मोड़ देना है, इधर से वैसे बंद कर देना है। इसको यहाँ से दबा के बस में सूखा आटा लगा के आराम से बेल लो बस, और क्या इसमें ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है, बस इतना ही है। इसको सर्दी में यार बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत मस्त लगता है खाने में पराठा। अभी तो पराठे बहुत अच्छे अच्छे से बना सकते हो आप, ऐसे हाथ से थोड़ा से बढ़ा देना ताकि दबा देना ताकि स्टफिंग हमारी चारों तरफ चली जाए, यानी आ जाए चारों तरफ हो जाए रोटी के अंदर। थोड़ा अगर चिपकने लगे तो थोड़ा आप क्या कहते हैं सूखा आटा लगा लेना। इसको हम वो चकला है नहीं, इसे काउंटर पे ही बेल लेंगे किचन के, उसको साफ कर लेते हम तो यही पर रोटी बेल लेते हैं। चकला रखो ज़्यादा ऊँचा होता है, किचन हमारा थोड़ा ऊँचा बना दिया है तो इसलिए हम चकला बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, यानी पटला जिस पे रोटी बेलते हो। अब देखो रोटी हमारी डाल देता हूँ अपने, अब इसको हम पलट दिए एक तरफ से, जब हो गई हल्के से ब्राउन सी, अब दूसरी तरफ से पलट दिए। वाह अब इधर से भी इसमें हम लगा देंगे घी, अब बहुत मस्त लगता है यार खाने में। एक बार ज़रूर आप बना के खाना सर्दियों में, बहुत मज़ा आएगा खाने में। देखो इसे इसको पलट दे रहे हैं, इसको पलट के इसे सेकेंगे इसको हम, तो दबा दबा से देंगे, बहुत बढ़िया बन जाएगा। ज़्यादा नहीं लगेगी, बस 2 मिनट में तैयार हो जाता है। बस ये थोड़ा चलाते रहो, देखो तो एक ही साइड से जल जाएगा ये, इसीलिए से थोड़ा सा चलाते रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। अब गैस का फ्लेम देखो धीमा रखी हूँ, धीमी गैस पे पकाओगे तो अच्छा से पराठा बनेगा ना, सुंदर सुंदर सा बेहतरीन इसलिए धीमी गैस करके रखती हूँ। कभी पराठा आप बनाना धीमी गैस करके रखना, तेज़ी गैस पे मत पका लेना कोई सही पराठा। एक लिंक पेपर देखो रखी उसी पर रख दे, अगर आपके पास बटर पेपर हो या कोई और हो तो उस पर रख लेना। देखो कॉपी का पेपर लूँ उसी पर रख लूँ ताकि नीचे से पसीजे नहीं, नीचे से पानी हो जाता पराठे में। एक पराठा बन के तैयार हो, इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बेल के आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखो इसको भी बेल ले रहे हैं। देखो रोटी हमारी बेल के तैयार हो गई, अब इसमें स्टफिंग भरेंगे हम। इसमें देखो घी लगाना भूल गई, अब चलो इसमें बाद में थोड़ा सा डाल दूँगी इधर उधर से, जल्दी रहती है यार और तो बहुत काम रहता है। एक काम तो रहता है क्या बताएं, बस खाना पकाना है और तो झाड़ू बर्तन पोछा का पड़ा रहता है दुनिया भर काम, टेंशन बच्चों की। जैसे दिमाग बढ़ जाता है हमारा तो दिमाग बहुत बढ़ जाता है देखो एक रोटी बेल ली, अब इसको इसे डाल दिए, अब इसको भी ऐसे सेक लूँगी, इससे पहली वाली रोटी सेक इसे दूसरी वाली भी सेक लेंगे। यार वीडियो हमारी पसंद है तो वीडियो को हमारी लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और अगर ज़्यादा पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है आपको पता है कि बस अगर कमेंट कर दोगे तो हम खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई हमारी वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को, तभी आप लोग कमेंट कर रहे हो। अब देखो इसको अलट पलट के सेक लेना है ना, बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत मस्त लगती है। अगर एक बार बना खा लो ना तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। देखो एक पराठा हमारा तैयार हो गया, इसी तरह से हम सारे पराठे को बना के तैयार करूँगे, है ना बहुत बेहतरीन। तो देखो इसको भी हम सेक ले रहे हैं, लास्ट वाला पराठा है ये। वाह कितना मज़ा आता है पकाने भी, मज़ा आता है इसको, हमें तो पराठा बनाने में बहुत मज़ा आता है। दो है ना देखने में कितना मस्त लग रहा है। अब चलते हैं हम एक प्यारा सा इसके लिए खाने के लिए बना लेते हैं दही का। तो हम इसको गाजर लेंगे, गाजर से बनाऊँगी जिसको घिस ले रहे हैं इसे, उसी काउंटर भी सारा काम कर लेती हूँ इसको घिस कैसे रख ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे खीरे डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दिए हम दही एक कप भर के, हैं मतलब एक कटोरी है, कप नहीं है। ये काला नमक डाल दे रहे हैं, ये बन गया हमारा रायता। अगर आप चाहें इसमें काली मिर्च का पाउडर थोड़ा डाल देना, हम नहीं डाली, हमें नहीं पसंद इसलिए नहीं डाले, क्योंकि पराठा तो ऑलरेडी तीखा है इसलिए नहीं डाले। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आप भी इसी तरह से बना के एंजॉय कीजिएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा खाने के लिए, तो है ना बहुत ही मस्त। देखो रायता बन के हमारा रेडी हो गया है, तो चलो अब खाते हैं। एक पराठा तोड़ के आपको हम दिखाते हैं। अब वीडियो पसंद आई आए तो वीडियो को हमारा लाइक करना ज़रूर भूलना मत, नहीं भूल जाओ यहाँ वीडियो देख ले लाइक नहीं दो, भरा भरा सा पराठा बना हुआ है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खाने के बाद। वाह क्या मस्त लगा पराठा, बहुत ही मस्त लग रहा था पराठा खाने में। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू, दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना।